डाउट नेट में मिलेगा अब आपके हर सवाल का जवाब। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो गाइस गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारे जितनी भी ट्रिपल आईटीज हैं उनमें कौन सी हमारी टॉप 5 ट्रिपल आईटीज हैं जिनकी प्लेसमेंट अच्छी है, जिनका कॉलेज कैंपस अच्छा है, और उन सभी ट्रिपल आईटीज के बारे में हम देखेंगे कि उनकी जेईई मेंस के रैंक में क्या कट ऑफ रैंक्स गई, उनकी क्या प्लेसमेंट्स हैं, कितनी सीट्स हैं, क्या फीस है वहाँ की, और उन ट्रिपल आईटीज की क्या रैंक है। देखिए, अभी पिछले कुछ समय में कुछ नई ट्रिपल आईटीज भी खुली हैं, तो उन नई ट्रिपल आईटीज की अभी शायद उतना अच्छी प्लेसमेंट्स और उनके डेटा अवेलेबल नहीं है, तो अभी जो हमारी पुरानी ट्रिपल आईटीज थी उन्हीं में से जो टॉप 5 है उन्हीं को हमने इस वीडियो में चूज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो हमारे पास में ट्रिपल आईटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ट्रिपल आईटी जबलपुर। तो अगर हम ट्रिपल आईटी जबलपुर के बारे में बात करें तो इसकी जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो लास्ट ईयर की 77 है, जो रिलेटिवली काफी नीचे है। बट इस कॉलेज की अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो ऑन एन एवरेज यहाँ की जो प्लेसमेंट है ट्रिपल आईटी जबलपुर की वो 7 to 8 लाख पर एनम है। ये एवरेज की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ के टॉप पैकेजेस की बात करें तो 25+ लाख पर एनम के भी पैकेजेस यहाँ से जा चुके हैं और जाते हैं। तो इसलिए अगर आप देखें प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ट्रिपल आईटी जबलपुर काफी अच्छा है, टॉप पैकेजेस यहाँ के काफी अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली जो बहुत अच्छे बच्चे होंगे उनको, मतलब जिनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई होगी उनके पैकेजेस काफी सही रहे होंगे। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अराउंड 294 या 292 कुछ सीट्स हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा मुझे मिल नहीं पाया था इसलिए मैंने यहाँ पे अराउंड 300 सीट्स लिख दी है। अब फीस की अगर हम बात करें तो पूरा जो आपके 4 ईयर का कोर्स होता है उसकी 3 to 3.5 लाख इसकी सिर्फ ट्यूशन फीस है। तो ट्यूशन फीस का मीनिंग है कि इसमें हॉस्टल फीस और आपकी मेस फीस इंक्लूडेड नहीं है, तो वो आपकी सेपरेटली आपको जैसे मतलब मिल नहीं रही थी एक्चुअली स्टेट्स, तो जो ट्यूशन फीस के अवेलेबल थे वो मैंने उसके अराउंड यहाँ पे अलग अलग सोर्सेस कोरा या बच्चों के जो रिव्यूज थे उससे यहाँ पे मैंने दिए हैं। अगर जेईई मेन की कट ऑफ रैंक की बात करें तो अराउंड 16.6K तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ जाती है और 29,000 तक इन जनरल सभी ब्रांचों की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रैंक जाती है। तो यहाँ पे जो 6.6K है ये भी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रैंक यहाँ पे मैंने लिखी है कंप्यूटर साइंस ब्रांच की। तो पहले भी हमने बात करी ट्रिपल आईटी जबलपुर की, अब हम दूसरी देखते हैं। तो दूसरी हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी कांचीपुरम के बारे में। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात, ट्रिपल आईटी जो हम फोर्थ और फिफ्थ डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो तब तक प्लीज एक बार देखिएगा पूरी वीडियो को। तो ट्रिपल आईटी कांचीपुरम जो है हमारी, इसकी जो रैंक है एनआईआरएफ वो 80 है। यहाँ का प्लेसमेंट एज सच उतना अच्छा नहीं है, आपका एवरेज पैकेज जो है वो अराउंड 5 लाख पर एनएम है, और जो मैक्सिमम पैकेज जो इस बार गया था वो कुछ अराउंड 12+ गया था। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने ट्रिपल आईटी अभी देखा जबलपुर, उससे कंपैरिजन में यहाँ का जो सैलरी है वो उतनी अच्छी नहीं है, प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे एवरेज। और टोटल जो आपकी ट्यूशन फीस है वो अराउंड 3 लाख रुपीज है फॉर आपके टोटल कोर्स के लिए, और टोटल 250+ सीट्स है जिसमें आधी हमारी 50% कोटा वाली सीट्स होती है, 50% जनरल के लिए, तो टोटल अराउंड सब मिला के 250+ अराउंड सीट्स है। कट ऑफ रैंक की बात करें तो 13,000 तक की सीएस कट ऑफ की गई है लास्ट ईयर और 27,000 बाकी ब्रांचों की मिला करके जनरल कैटेगरी की गई है। तो अगर हम देखेंगे कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जो हमारा स्पेसिफिक कॉलेज है एज सच प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना अच्छा नहीं है, बट अगर हमें टॉप जैसे सीएस ब्रांच चाहिए तो इसकी कट ऑफ काफी मतलब नीचे तक जा रही है 13K तक, तो आप उस केस में इसे ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड अब हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रिपल आईटी ग्वालियर। देखिए, जनरली लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, एनआईएफ रैंकिंग एज सच मुझे मिल नहीं पाई थी तो इसलिए मैंने देखा नहीं यहाँ पे। इस कॉलेज की एवरेज प्लेसमेंट जरूर 6.7 LP है, बट यहाँ की टॉप पैकेजेस आपके 25+ लाख पर एनएम के हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ बात करूँ तो थोड़ा सा मतलब एवरेज प्लेसमेंट मीन्स ज्यादा परसेंटेज प्लेसमेंट थोड़ी सी कम है यहाँ की, बट ऑब्वियसली जो ज्यादा मतलब जिसकी नॉलेज अच्छी है अच्छी है उन बच्चों के प्लेसमेंट यहाँ पे काफी टॉप कंपनीज आती हैं, तो आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। टोटल अराउंड 200 सीट्स हैं इस कॉलेज में सारी सभी मिला करके, कोटा प्लस नॉन कोटा। और फीस की अगर हम बात करें तो इन टोटल 5 to 6 लैक्स टोटल है, जिसमें शायद मतलब जो कई जगह मुझे डेटा मिला और बच्चों ने लिखा है कि ये हॉस्टल इंक्लूडेड फीस लिखी है उन लोगों ने, तो एज सच मेरे ऑफिशियल स्टेटस कहीं था नहीं, तो जो कोरा वोरा के ऊपर सोर्सेस से मिला वो यहाँ पे मैंने लिखा है।
कट ऑफ रैंक हाँ इसकी 12,000 के अराउंड सीएस की है और 17,000 के अराउंड जनरल कैटेगरी में और ब्रांचेस की है। तो ये ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में हमने बात करी। अब जो बची हुई दो एनआईटीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद एंड ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में। तो देखिए ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो इसकी रैंकिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी है, हमने लिखी नहीं है, लेकिन इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। यहाँ पे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे सीएस ब्रांच नहीं है, यहाँ पे ओनली जो आपकी ब्रांच है वो आईटी ब्रांच है, जैसा आप देख सकते हैं। और उस आईटी ब्रांच के लिए जो आपकी कट ऑफ रैंक जाती है वो अराउंड 6,000 जाती है, और सारी ब्रांचेस मिला करके जो आपकी कट ऑफ रैंक जाती है जनरल कैटेगरी की वो अराउंड 9,000 तक जाती है। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के लिए कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है इसी कट ऑफ रैंक देख करके। प्लेसमेंट की बात करूं तो एवरेज जो प्लेसमेंट है वो अराउंड 13 लाख पर एनएमए, इवन दो कई जगह पे मुझे लोगों ने कई जगहों पे जो कमेंट्स थे लोगों के वो 15 लाख भी थे, लेकिन कई जगह पे 13 to 14 थे, इसलिए मैंने यह मिनिमम लिखा है ताकि ज्यादा एक्सपेक्टेशन मैं किसी को नहीं दूं, लेकिन बता रहा हूँ कई जगहों ने 15 भी बोला है। तो सोर्सेस से मिला है, एग्जैक्ट प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये सोर्सेस से जो मिला है वो मैंने लिखा है। अराउंड 100 क्या बोलते हैं आपकी टोटल सीट्स है, 145 सीट्स हैं आपकी टोटल। अगर हम फीस की बात करें तो कंप्लीट कोर्स के लिए 5 to 6 लाख फॉर कंप्लीट कोर्स इसकी कॉलेज फीस है, तो फीस एज सच ज्यादा नहीं है। नॉर्मल अगर आप किसी एनआईटी या ट्रिप आईआईटी में भी जाएंगे तो भी वहां पे आपको इतनी फीस मिलेगी, एनआईटी की शायद थोड़ी सी कम है, लेकिन अब आईआईटी की तो काफी ज्यादा फीस हो गई है, तो उस केस में आपको इतनी ही फीस वहां पे मिलेगी। अब ट्रिपल आईटी कॉलेज एक ऐसा, मतलब अभी तक हमें ट्रिपल आईटी जो मिले हैं उनमें अपार्ट फ्रॉम जबलपुर एक ऐसा कॉलेज मिला है जहां पे जिसकी प्लेसमेंट है आप देख सकते हैं बहुत सारे आईआईटी से बेटर है, मतलब अराउंड 13 लाख पर एनम इज टू गुड, मतलब किसी भी आईआईटी या एनआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स टू गुड। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद जिसको भी अगर ऑप्ट करना है तो इट्स वेरी 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 गुड चॉइस। नाउ अगर मैं बात करूं ट्रिपल आईटी हैदराबाद की, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद वन ऑफ द बेस्ट ट्रिपल आईटीज इन आर कंट्री राइट नाउ, और एवरेज पैकेज की बात करूं तो 14 to 15 लाख पर एनम इज एवरेज पैकेज, एवरेज ओके। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम की बात करूं तो आपका इस साल के अराउंड जो मैक्सिमम गया था या लास्ट टू लास्ट ईयर जो मैक्सिमम गया था उसमें 37 कुछ प्लस मैक्सिमम गया था, और जो मिनिमम सैलरी थी वो 6.5 थी। तो आप सोच सकते हैं जब मिनिमम 6.5 है और मैक्सिमम 37 है तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स इस कॉलेज की आप समझ चुके होंगे। सीट्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल 200 सीट्स थी, और एक्सेक्ट 200 नहीं है, अराउंड 200 है टोटल, कुछ 190 कुछ है, तो ये टोटल सीट्स है। यहाँ की फीस स्ट्रक्चर शायद थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि जो कमेंट्स मिले उसमें बताया कि 5 to 6 लाख मीन 70,000 पर सेमेस्टर यहाँ पे आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस है, विच इज एक्सेप्ट हॉस्टल एंड मेस फूड। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्टली है फीस स्ट्रक्चर, बट ऑब्वियसली द वर्थ इज 14 to 15 लाख पर एनम एवरेज सैलरी, मिनिमम 6.5 एंड मैक्सिमम 37। तो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन इस कॉलेज के बारे में कोई डाउट नहीं है, स्टैंडर्ड इस कॉलेज के ऑलरेडी बहुत हाई सेट है। अगर आप किसी से पूछेंगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद तो इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें।